जबलपुर के ग्वारी घाट में वार्ड में दिनेश नचलानी द्वारा लगाया गया निशुल्क ऐतिहासिक शिविर, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, समग्र आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस, परिचय पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि जैसी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और कालू भैया का कहना है कि मानव सेवा ही परम धर्म है, इसके आधार पर मानते हुए कालू भैया ने ग्वारी घाट वार्ड को नंबर वन बनाने के लिए संकल्प लिया है। कैंप का आयोजन किया गया है, स्कूल में भी हमने कैंप लगाया था, इसकी सफलता को देखते हुए आज एक बार फिर मानश्री तरुण मनोज मानश्री गौरव बनवानी और मानश्री चंद्रकुमार बनवानी के आदेश अनुसार जनता की सहायता है, जनता की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें हमने एजुकेशन को लेकर विशेष ध्यान दिया। एजुकेशन फील्ड में आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, एजुकेशन में हमने ये ध्यान दिया है कि जिन बच्चों ने 10वीं पास कर ली है उनको इंजीनियरिंग में हम एडमिशन करा रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएट कर लिया उनको हम MBA करा रहे हैं, जो 12वीं पास बच्चे हैं पैसे के अभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उनको हम BTech करा रहे हैं। तो ये सुविधा एजुकेशन में मिली है, साथ ही साथ आज हमने नए गरीबी रेखा राशन कार्ड फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। वार्ड में काफ़ी ऐसी जनता है, परिवार है जिनके राशन कार्ड बंद हो गए अचानक और वो परेशान है, और साथ ही साथ कई लोगों के नाम कट गए, चक्कर लगा लगा के परेशान है विभागों के लोग, कोई सुनने वाला नहीं, सहायता नहीं कर रहा। इसी को देखते हुए माननीय विधायक जी ने हमें निर्देश दिए कि जनता की समस्या का समाधान किया जाए, उसी कड़ी में आज एक कैंप लगाया गया है 3 दिन का, जिसमें हम आवास योजना का लाभ उनको दिला रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जा रहे हैं। पूर्व में ग्वारीघाट की जनता ने जो हमें सहयोग, जो साथ, जो प्यार दिया और हमने वह काम उनको करके दिया, उसी विश्वास और मनोबल बढ़ाया, आज इसी कड़ी में एक बार फिर उनका सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, और आगे भी हमारी यही प्रतिज्ञा, यही वचन है कि हमारे वार्ड में कोई ऐसा गरीब नहीं रहेगा जिसको राशन कार्ड ना हो। जैसे कि कहा जाता है कि राशन कार्ड में काफ़ी लोग परेशान हैं और कलेक्टर के चक्कर में चक्कर लगाए पड़े हैं, आज तक उनके राशन कार्ड का कोई निराकरण निकल नहीं पाया, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल यही मेन समस्या है कि राशन कार्ड तो बने थे, अब अचानक उनके राशन कार्ड बंद कर दिए गए, और साथ ही साथ लोगों के नाम काट दिए गए, जिन परिवारों में 5-5, 6-6 सदस्य हैं आज उनको 1 सदस्य और 2 सदस्य का राशन प्रदान किया जा रहा है। यही समस्या माननीय विधायक जी के सामने आई, उन्होंने अपने स्तर से काफ़ी लोगों राशन कार्ड चालू कराया, निराकरण कराया, और आज ग्वारीघाट वार्ड की जनता के लिए हमें निर्देश दिया गया कि कैंप लगा के उनकी सुविधा की जाए, उनकी सुविधा दी जाए और नाम जुड़वाया जाए, बंद राशन कार्ड चालू कराए, और यही हमारा सबसे बड़ा इसमें कैंप में यही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया थी, हमको चालू करा के देंगे। कोरोना काल में उन्होंने वैसे ही इतनी महामारी झेली और आज वर्तमान में ये स्थिति आई है, तो हम उनको राशन कार्ड चालू करा के देंगे और नया राशन कार्ड बनाए। जो भी ये फैसिलिटी आपके द्वारा दी जा रही है तो सिर्फ वार्ड के लोगों के लिए बस है कि और भी लोगों? जी हाँ, क्योंकि ग्वारीघाट वार्ड में उन्होंने हमें निर्देश किया है कि आप ग्वारीघाट वार्ड, उन्होंने हर वार्ड में हर किसी को निर्देश अनुसार जिसकी जहाँ जैसी समस्या है, जो समस्या है वैसा उन्होंने निर्देश दिया। ग्वारीघाट वार्ड में उन्होंने हमें निर्देश दिया है, माननीय चंद्रकुमार मनोज जी ने, चंद्रकुमार मनोज ने, उनका साफ कहना है कि आप जनता की सेवा करें, और हमेशा से उनका कहना गया है सेवा ही परम धर्म है, और पूर्व में जो उन्होंने मैंने काम करके दी उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, और मेरा भी एक संकल्प है कि ग्वारीघाट वार्ड को नंबर वन बनाना है और मैं बनाते रहूँ। आपका नाम? दिनेश नचलानी, ग्वारीघाट वार्ड। मोहन जी के निर्देश अनुसार आज ग्वारीघाट वार्ड में हमारे कालू भैया दिनेश नचलानी जी ने ऐतिहासिक शिविर लगाया है, और मैं समस्त ग्वालियर की जनता से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो आए और शिविर में सारी समस्याएं जो यहाँ पे है आपकी वो यहाँ निराकरण होगा। आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, समग्र आईडी, ये सभी चीज़ें यहाँ बन रही हैं। मैं समस्त आप सभी से प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा कि आए और तुरंत बनवाए। आपका नाम? राकेश। KRN न्यूज़ के लिए जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट।